हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं lallantop.com। इस शुक्रवार चार फिल्में रिलीज हुई जिन्हें हमारी टीम के अलग अलग साथियों ने देखा। मेरे हिस्से आई मनोज बाजपेयी की गली गुलिया और मैं खुश हूं कि मेरे हिस्से ये फिल्म आई। आइए फिल्म पर बात करते हैं। गली गुलिया कहानी है खुद्दूस की, वो आदमी जो पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में एक प्रेत की तरह विचर रहा है, बाहरी और अपने अंदर की दुनिया के राक्षसों से लड़ता हुआ, जो एक कबाड़ भरे कमरे में रहता है और खुद भी उस कबाड़ का ही हिस्सा लगता है। उस गंदे बदबूदार कमरे में उसके साथ अगर कुछ है तो वो है सीसीटीवी कैमरे से जुड़े मॉनिटर्स। वो कैमरे जो बाहर गलियों में लगे हैं, उन मॉनिटर्स पर वो लगातार देखता रहता है कि उन गलियों में क्या कुछ चल रहा है। बाहरी दुनिया से उसे जोड़े रखने वाला इकलौता पुल है उसका दोस्त गणेशी। ये गणेशी ही है जो उसके लिए राशन भी लाता है और उसकी जिंदगी में छाया सन्नाटा भी तोड़ता है। खुद्दूस बरसों से उन भयावह गलियों में कैद है, शायद वहीं पर भटकता हुआ वो मर भी जाता, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिससे उसका किसी और जिंदगी से कनेक्शन जुड़ जाता है। उसके कमरे की दीवार के उस तरफ कोई बच्चा है जिसे उसका पिता बेतहाशा पीट रहा है, इतनी बुरी तरह कि लगता है मार ही डालेगा। खुद्दूस उस बेचैनी से भर गया है कि कैसे वो उस बच्चे की मदद करे। वो गली गली भटक कर उसे तलाशता है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। बच्चे का नाम इदरीस है, अपनी माँ, छोटे भाई और कसाई पिता के साथ उन्हीं गलियों में रहता है। पिता को कसाई सिर्फ विशेषण के तौर पर नहीं कहा है, वो पेशे से भी कसाई है और स्वभाव से भी, बात बात पर बच्चे को पीटता रहता है। माँ जहाँ तक हो सके बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन मर्दवादी भारतीय समाज में माओं की चलती ही कहाँ है। बच्चा दिन ब दिन पिता के प्रति नफरत से भरता चला जाता है। अपनी माँ की जिंदगी की तमाम दुश्वारियाँ उसे पिता की देन लगती है। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने पिता से और उन दहशत भरी गलियों से दूर चले जाना। क्या इदरीस को अपने मकसद में कामयाबी मिलती है? क्या खुद्दूस उसकी कोई मदद कर पाता है? असल में मदद की जरूरत किसे थी, इदरीस को या खुद्दूस को या किसी और को? किसी प्रेतात्मा की तरह भटकते खुद्दूस की जिंदगी का सच क्या है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब फिल्म देखकर जान लीजिएगा। यकीन जानिए, ये एक उम्दा सिनेमाई अनुभव होगा। गली गुलिया एक बेहद डार्क फिल्म है, सीने पर रखे बोझ जैसी। इसे देखने के लिए भी साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। यह न सिर्फ एक शानदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर है बल्कि एक बेहद जरूरी समस्या को पूरी बेबाकी से एड्रेस करती है, उसकी भयावहता का दाह कम किए बगैर। पिताओं की छोटी छोटी गलतियां कैसे बच्चों की जिंदगी तबाह कर सकती है, इसका एहसास कराती है ये फिल्म। पेरेंटिंग के आर्ट से लगभग अनजान हम हिंदुस्तानियों को इस फिल्म को देखकर यह सबक लेना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ कैसे पेश नहीं आना है। एक्टिंग की बात की जाए तो मनोज वाजपेयी हमेशा की तरह खरा सोना बनकर चमकते हैं। ये आदमी किरदार और कलाकार का भेद मिटा डालने में माहिर हो चुका है। दुनिया जहान से कटे हुए ख्वाबों की दुनिया में विचरते और अपने आसपास की हर चीज़ को शक की निगाह से देखते खुद्दूस को मनोज वाजपेयी से बेहतर कोई और निभा ही नहीं सकता था। न सिर्फ उनका अभिनय बल्कि उनकी देह बोली भी पूरी तरह किरदार के मुताबिक हो जाती है। झुके हुए कंधे, खोई खोई नज़र, कप कपाती आवाज़ और बिखरा हुआ वजूद, आप खुद्दूस को उसी शकभरी निगाहों से देखते हैं जिससे वो दुनिया को देखता है। अपने अतीत से लड़ता हुआ खुद्दूस किसी बच्चे का भविष्य बचाने के लिए बेकरार है। ये बेकरारी, ये बेचैनी उनके चेहरे की एक एक रेखा से पढ़ी जा सकती है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्हें इस फिल्म के लिए रिलीज से पहले ही अवार्ड मिल चुका है। बच्चे इदरीस के रोल में ओम सिंह कमाल का काम कर गए हैं। लगता ही नहीं कि ये उनकी पहली फिल्म है। अंदर ही अंदर घुटता एक मासूम बालक उन्होंने बेहद सफाई से साकार किया है। पूरी फिल्म में इस बच्चे के होठों पर हंसी की एक लकीर तक नहीं उभरती। पिता के हाथों जलील होते एक बच्चे की छटपटाहट वो कामयाबी से दिखा पाए हैं। नीरज कबीर हर नई फिल्म में अपने आप को और ऊंचाई की तरफ धकेलते नजर आते हैं। जल्द ही ये नाम नवाजुद्दीन, संजय मिश्रा, इरफान, मनोज वाजपेयी, पंकज कपूर जैसे शानदार अभिनेताओं की जमात में शामिल होने वाला है, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। इदरीस के पिता लियाकत के रोल में वो आपको डरा देते हैं। शहना गोस्वामी बेहद कन्विंसिंग लगती है। अपने बेटे के लिए कवच बनने की तमन्नाई माँ का किरदार उन्होंने बढ़िया ढंग से निभाया है। रणवीर शौरी जितनी भी बार स्क्रीन पर आते हैं सहज लगते हैं। ये सब कलाकार तो हैं ही, लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा किरदार है पुरानी दिल्ली की गलियां। बेहद तंग, अंतहीन, सूरज की रोशनी को तरसती संकरी गलियां यहाँ मेन खलनायक हैं। ये डराती हैं, ये एहसास कराती हैं कि ऐसी हर एक गली में कहीं कोई एक आदमी कैद है जो रिहाई के लिए छटपटा रहा है और जिसे हम कभी
नोटिस ही नहीं करते। सिनेमेटोग्राफर काई मिडेंडोप का कैमरा इन गलियों को बेहद एक्यूरेसी से कैप्चर करता है, फिर चाहे वो उनका एक दूसरे में उलझते जाना हो या दिन और रात की लाइटिंग का संयोजन, सब कुछ बढ़िया टिपा है उन्होंने। अंत में डायरेक्टर दीपेश जैन को खास वाला थैंक यू। अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने कुछ अलग सब्जेक्ट चुनने का साहस दिखाया और उसे बड़ी ही कामयाबी से निभाया भी। बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए शाबाशी रहेगी उनको। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की फिल्म। इसी तरह और फिल्मों के बारे में हमारी राय जानने के लिए आप देखते पढ़ते रहिए lallantop.com। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ऐप भी आ गया है तो उसे डाउनलोड करना न भूलिएगा।